गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं मंदिरों का दर्शन करने जाता हूं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, श्री रंकिनी मंदिर माता का मंदिर है। वहां और मेरी धर्मपत्नी एक साथ आए हुए हैं। आए बोल दीजिए। अब हम लोग सीढ़ियाँ उतरते हुए एक अलग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग देखिए, आप रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लोग गंदगी बहुत कर देते हैं। अब देखिए, अगल बगल थोड़ी गंदगी बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी। तो देखिए, मंदिर के नाम पे लोग गंदगी भी करते हैं। अब आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक छोटा सा पुल है, ऊपर से हम लोग आए हैं, ऊपर से छोटा सा पुल है, नीचे पार करके हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये लोग यहाँ पे इस जगह में अपना कोई मन्नत हो, कुछ हो, तो माता के दरबार से वापसी के दौरान यहाँ आकर वो बांध कर जाते हैं। हमारी तो विशेष कोई मन्नत थी नहीं और है भी नहीं अभी फिलहाल। ये देखिए, आ जाइए, इधर आइए। पुजारी जी भी आ गए। बोले कि कुछ लेना है। हाँ, वहाँ पे भी नहीं मिला तो उधर ही चल जाएंगे। पुराना मंदिर है, आदि प्राचीन मंदिर है हम लोगों का। यहीं पे हम लोगों ने पूजा किया था, यही पे जहाँ हमारी पूजा हुई थी। पूजा होने के बाद ये जो गर्भगृह है जहाँ हमारी पूजा होती है, हम लोगों ने पूजा किया माता रंकिनी मंदिर की। हम लोग घर की ओर चल रहे हैं। थैंक यू व्यूवर्स देखने के लिए, बाय बाय। तो आज हम लोग मंदिर में पूजा कर लिए हैं, मैं और मेरी धर्मपत्नी। अब हम लोग चलेंगे घर की ओर और उसके बाद हम लोग फिर आगे की ब्लॉग में देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप एक बार मंदिर का दर्शन कर लीजिए। ये श्री श्री माता रंकिनी मंदिर है। यही मंदिर है और यही यहाँ का परिदृश्य है। अगर आपको हम ऐसे दिखाएं, यही मंदिर है, श्री श्री माता रंकिनी मंदिर। और ये बगल में उसके हाईवे गुजरता है।
अब देख सकते हैं ये हाईवे है और ये माता का मंदिर है, माता रंकिणी मंदिर। और आपको हम दिखाते हैं कि ये जो ये हाईवे था, ये हाईवे के बगल से ये मंदिर है। हम लोग के सामने देखते हैं ठीक है, हमारी धर्मपत्नी बोर हो रही है, अब हम चलते हैं ठीक है, बाय।